नमस्कार, मेरा नाम मिथा है, आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चार स्मार्टफोन ब्रांड्स और चार स्मार्टफोन के बीच में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। और ये स्पीड टेस्ट कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 टू 20 के बीच में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन पिक होते हैं, और आज हम उन्हीं में से चार स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहला फोन है वो है Xiaomi का Redmi Note 4 जो कि अभी लॉन्च हुआ है, और हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है वो है 3GB के साथ में। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक Samsung का सक्सेसफुल फोन, Samsung का Galaxy J7 Prime। और उसके बाद आप देख सकते हैं Vivo का V5 जिसमें आपको 4GB का RAM मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं Oppo का F1S। ये ऐसे फोन हैं जो सबसे ज्यादा पिक होने वाले फोन हैं इस प्राइस रेंज में। तो स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने से पहले देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये फोन है Xiaomi का Redmi Note 4 जो कि हमारे पास अवेलेबल है 3GB RAM और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ में। तो चिपसेट की बात की जाए तो यहाँ आपको मिलता है Snapdragon का 625। इसके बाद देखते हैं Samsung का J7 Prime जहाँ पे आपको मिलता है Exynos का 7870, और यहाँ पे भी आपको 3GB RAM मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं Vivo V5 की तरफ जहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का CPU, और उसके बाद नेक्स्ट है Oppo F1S, इसमें भी आपको जो CPU मिलता है वो MediaTek 6750 ही मिलता है। यहाँ पे दो वेरिएंट अवेलेबल होते हैं, एक 3GB RAM के साथ में और एक 4GB RAM के साथ में, लेकिन हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है वो है 3GB RAM के साथ में। तो हम आपको बता देते हैं Redmi Note 4, Samsung का J7 Prime और Oppo F1S, ये हमारे पास है 3GB वेरिएंट में, जबकि Vivo का V5 हमारे पास है 4GB वेरिएंट में। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा फोन आपको अच्छा स्पीड देखने को देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे फोन्स में सिमिलर एप्लीकेशन डाली हुई हैं, और आप स्टॉप वॉच के थ्रू देखने वाले हैं कि कौन सा फोन है जो कि आपको बेटर स्पीड देता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे नए फोन से जो कि है Redmi Note 4। तो स्पीड टेस्ट करने से पहले आपको बता दें कि सारे फोन कनेक्टेड हैं एक ही वाईफाई से, ताकि हमें जो इंटरनेट का स्पीड मिले वो सेम मिले। तो आपने देखा Redmi Note 4 ने सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट किया 3 मिनट एंड 44 सेकंड में। अब हम देखेंगे Samsung का J7 Prime कितनी देर में सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं Samsung के Galaxy J7 Prime में सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट किया 4 मिनट्स में। चलिए हम चलते हैं Vivo V5 की तरफ और देखते हैं कि ये कितनी देर में सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट करता है।
तो देखा आपने Vivo V5 ने सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट किया 3 मिनट्स एंड 15 सेकंड में। तो यहाँ पे इन तीनों फोन्स में से विनर हो गया है Vivo का V5 और अब हम देखेंगे कि Oppo का F1S इसको टक्कर दे पाता है या नहीं। Vivo की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं F1S को, करते हैं स्टार्ट F1S के साथ में। तो देखा आपने Oppo के F1S में सारी एप्लीकेशन को कंप्लीट किया 4 मिनट्स एंड 9 सेकंड में। तो देखा आपने ज्यादा रैम की वजह से Vivo V5 ने ये बाजी मार ली है और सबसे पहले सारी एप्लीकेशन को ओपन करके कंप्लीट कर लिया। तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो या फिर आपके पास कोई सुझाव हो। तो आगे कैसे वीडियोस देखने के लिए इस बटन पे क्लिक करना ना भूले। इस बटन पे क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के नए अपडेट्स ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।